हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल टॉपिक करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो ये टॉपिक सब्जेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो ड्राइवेशन पार्ट है ये सब्जेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट है और 90% चांस है कि ये टॉपिक जो है इसका जो ड्राइवेशन है वो तुम्हारे एग्जाम में आएगा, चाहे वो फाइनल एग्जाम हो चाहे वो हाफ ईयरली एग्जाम हो, वहाँ पर आने का बहुत ज़्यादा चांस है। और इसके जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो दोनों में इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिवली भी और ऑब्जेक्टिवली भी, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इसके जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं वीडियो की ओर। देखो प्रोजेक्टाइल क्या होता है, मैं तुम लोग को इससे पिछले लेक्चर में बता दिया था। इसके पिछले लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो प्रोजेक्टाइल क्या होता है, वो मैं बता दिया था। ठीक है, क्लियर है। और ये क्या बोलते हैं, हम लोग दो तरह का प्रोजेक्टाइल पढ़े थे। एक क्या था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और दूसरा क्या था, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मैं पूरा ड्राइवेशन पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट इससे पिछले लेक्चर में करवाया हुआ हूँ, तो आज मैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा हूँ। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में बताओ, एग्जांपल में मैं क्या बताया था, जैसे तुम फुटबॉल को मारते हो वो किसके अंदर आता है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के अंदर आता है। अगर तुम फुटबॉल को मारोगे तो फुटबॉल जाता है कैसे, ऐसे। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के अंदर। ठीक ना, जैसे तुम बॉल को फेंकते हो वो किसके अंदर आता है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। शॉर्ट पुट फेंकते हो किसके अंदर आता है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। डिस्कस थ्रो जो होता है वो किसके अंदर आता है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो मतलब अगर तुम हॉरिजॉन्टल से ना एंगल बना के किसी भी चीज़ को फेंकते हो, किसी भी चीज़ को फेंकते हो तो वो क्या होता है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के अंदर आता है, और इसका पाथ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये किसके अंदर आता है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के अंदर आता है। ठीक ना, तो हम लोग आज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे और उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, उसका क्वेश्चन ड्राइव करेंगे। ठीक ना, तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में सपोज कर लो एक प्रोजेक्टाइल एक बॉडी को प्रोजेक्ट करता है थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से, यू वेलोसिटी से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब ये दो मूवमेंट करेगा, टू डी में मूवमेंट करेगा। क्यों, क्योंकि ये एक्स में भी मूव कर रहा है और वाई में भी मूव कर रहा है। इधर मान लो एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, तो ये एक्स में भी जा रहा है और बच्चों वाई में भी जा रहा है। इधर ये वाई एक्सिस मान लो और ये एक्स एक्सिस मान लो। ठीक है, क्लियर है। तो बताओ जब तुम यू से फेंके हो तो ये ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जाएगा, तो वो एक्स में भी डिस्टेंस कवर कर रहा है और वाई में भी डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक ना, तो ये कुछ ऐसे पाथ को कवर करता है, ये होता है। ठीक ना, इसका पाथ कवर करता है। ठीक ना, तो ये जो एक बात बताओ, ये हम कौन सा एक्सिस मान रहे हैं, इसे मैं वाई एक्सिस माना हो और इसे एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक बात बताओ, एक्स में जो चल रहा है दिख नहीं रहा है क्या यहाँ पे, ओके एक मिनट, चलो ठीक है, तो ये हो गया ना। तो ये एक्स में भी चल रहा है और वाई में भी चल रहा है, ओवरऑल वाई में बताओ कितना चला है। अगर कोई बोले वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो कोई बता सकते हो वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ओवरऑल। वैसे तो ये 2D मोशन किया है क्योंकि वाई में भी चेंज आ रहा था और एक्स में भी, लेकिन ओवरऑल बोले तो वाई में कितना चला कोई बता सकते हो, ओवरऑल चेक करो, वाई में 0 चला है। बताओ कैसे, यहाँ से स्टार्ट किया तो वाई में चला, देखो धीरे धीरे ऊपर गया है, वाई में देखो, वाई में ऊपर गया, फिर देखो नीचे आ गया ना, कैसे, क्योंकि ये देखो अभी ऊपर जा रहा था, ऊपर गया, हाइट बढ़ा, मैक्सिमम हाइट हुआ, फिर धीरे धीरे कम, यहाँ पे आके 0 पे, मतलब ग्राउंड से स्टार्ट हुआ, ग्राउंड ही पे गया ना, मतलब बस ये एक्स में गया, वाई में तो गया ही नहीं। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, ड्यूरिंग द मोशन ये 2D था, लेकिन ओवरऑल वाई की बात करूँ तो 0 चला है, क्योंकि ग्राउंड से स्टार्ट हुआ, ग्राउंड पे ही गिरा। एक्स में चला है क्या, यस एक्स में चला है, देखो एक्स यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे पहुँचा, वाई में यहाँ से स्टार्ट हुआ था और पहले इतना वाई मैक्स इतना डिस्टेंस वाई में कवर किया, फिर 0, मतलब वाई में यहाँ पे भी 0 है, कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। ठीक है, एक्स में चला है ये, एक्स में ये चला है, तो ओवरऑल ये 2D मोशन, सॉरी ये ड्यूरिंग द मोशन 2D है, लेकिन ओवरऑल वाई में कितना चला है, 0 चला, ये तो दिख रहा होगा तुम्हें। तो एक बात बताओ, जो इसको वाई में चला रहा है कुछ वेलोसिटी होगी, जो इसको वाई में चलाने की कोशिश कर रही थी कुछ वेलोसिटी होगी, जो इसको एक्स में चलाने की कोशिश कर रही थी। रिजॉल्व करना तुम लोग को आता है तो बताओ, ये यू है तो इधर क्या जाएगा, थीटा की तरफ क्या जाएगा बच्चों, बताओ यू कॉस थीटा, और बताओ वाई की और इधर क्या जाएगा, यू साइन थीटा। ठीक है, यही होगा ना, यू साइन थीटा इसको वाई में मूव करवा रहा है, यू कॉस थीटा इसको एक्स में मूव करवा रहा है। ठीक ना, क्लियर है, ये मूवमेंट है इसका, इस तरह से ये ऐसा मोशन कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। जब हम लोग बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो वो क्यों नहीं ऐसे करता, क्योंकि उसमें पूरी की पूरी वेलोसिटी वाई में होती है, ऐसे फेंकते ना वाई में होती है, तो एक्स में वेलोसिटी होती नहीं, इसलिए इधर नहीं जा रहा होता। ठीक है, क्लियर है।
ओके ठीक है सर, ये समझ में आ गया। मतलब ये 2D मोशन कर रहा है वाई में और एक्स में। तो हम लोग पहले ना इसका इक्वेशन बनाते हैं। तुम लोग को ये क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का और स्टेट बोर्ड में 4 मार्क्स का कि क्या बोलते हैं इसके इक्वेशन को पैराबोला प्रूव करो, पैराबोला प्रूव करो। जिससे जैसे कि मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में भी पैराबोला प्रूव किया था, इसमें भी पैराबोला प्रूव करने के लिए बोला जा सकता है। तो देखो हम क्या करते हैं, मान लो किसी भी पॉइंट पी पे, कोई भी पॉइंट पी टी टाइम में, मतलब वो पॉइंट पी पर है, सपोज कर लो ठीक है, पी पॉइंट किसी भी टाइम टी पे वो पी पॉइंट पर है। तो बताओ पी पॉइंट पर अगर है तो एक्स में कितना चला, एक्स में ये डिस्टेंस चला, और वाई में कितना चला, वाई में ये डिस्टेंस चला, ये वाई में चला। इस पॉइंट पे एक्स में इतना और वाई में इतना, किसी भी टाइम टी पे एक्स में इतना चला और वाई में इतना चला, ठीक है क्लियर है। तो सबसे पहले मोशन अलोंग एक्स एक्सिस देखते हैं, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है एक्स एक्सिस में देखते हैं। तो बताओ हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है क्लियर है। तो एक बात बताओ एक्स एक्सिस में एक्सेलेरेशन इसके पास कितने हैं, एक्स एक्सिस में एक्सेलेरेशन बताओ, किसी बॉडी को अगर तुम ऐसे फेंके हो एक्स में एक्सेलेरेशन कितना है, एयर रेजिस्टेंस काउंट नहीं कर रहे तो एक्स में बताओ एक्सेलेरेशन कितना है, जीरो। क्यों, क्योंकि बॉडी देखो जो ये जी लग रहा है, अर्थ जो जी लगा रहा है वो किधर लगाता है, नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड अर्थ जो एक्स लगाता है एक्सेलेरेशन वो नीचे लगा रहा है ना, नीचे डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है क्लियर है। तो अगर वो डाउनवर्ड लगा रहा है तो एक्स वाई एक्सिस में लगा रहा है, वो किस में लगा रहा है, वाई में। एक्स में क्या लगा रहा है, कुछ भी तो नहीं लगा रहा है, बस वाई में लगा रहा है। एक्स में कुछ लगा रहा है क्या, एकदम भी नहीं, कुछ भी एक्स में तो वो कुछ नहीं लगा रहा, बस वाई में लगा रहा है। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स में वो कुछ भी नहीं लगा रहा है। तो एक्स में एक्सेलेरेशन कितना है, एक्स में तो जीरो एक्सेलेरेशन है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में एक्स में भी एक्सेलेरेशन होता है थोड़ा बहुत, वो एयर के कारण। लेकिन हम लोग एयर को यहाँ पे काउंट, एयर रेजिस्टेंस को काउंट हम लोग यहाँ नहीं कर रहे, हम लोग उसको नेगलिजिबल मान रहे, ये बात याद रखना ठीक है। ओके सर, तो एक्स क्या हो गया बच्चों बताओ, जीरो। यू एक्स को बता सकते हो, हाँ यस सर यू एक्स बता सकते हो, वो क्या बताओ एक्स की तरफ कौन सी वेलोसिटी है, यू कॉस थीटा, ठीक है। और क्या है, टाइम टी है, तो चलो एक्स इक्वल टू बताओ यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आ गया, यू एक्स कितना, यू कॉस थीटा इंटू टी, और उधर तो सब जीरो ही होगा क्योंकि एक्स जीरो तो सब जीरो। तो बताओ यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो, क्या करोगे, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, क्लियर है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, यस सर क्लियर है। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें वाई में मोशन निकालना है, वाई में। ऐसे ही हम लोग कुछ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में भी किए थे, तो अब हम लोग वाई में मोशन करते हैं, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो बताओ मोशन अलोंग वाई एक्सिस जब करोगे, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, तो बताओ क्या लिखोगे, वाई इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए, सॉरी यू वाई होगा ना, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। बताओ यू एक्स कितना है, यू वाई कितना है बच्चों बताओ, यू वाई में कितना है, यू साइन थीटा। बताओ ए एक्स कितना है, सॉरी ए वाई कितना है, जी या माइनस जी, बताओ बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर, और ऊपर वाले को हम क्या लिए, पॉजिटिव, यू साइन थीटा प्लस लिए, वेलोसिटी ऊपर था तो हम प्लस लिए, तो जो नीचे होगा उसको क्या लोगे बच्चों, माइनस लोगे ना, माइनस लोगे तो बताओ एक्सेलेरेशन किधर है, नीचे है ना, अपोज कर रहा है मोशन को, वो ऊपर जाना चाह रहा है और एक्सेलेरेशन नीचे लग रहा है, अपोज कर रहा है मोशन को, तो बताओ क्या लोगे, जी या माइनस जी, माइनस जी, ठीक है माइनस जी आ गया। और टी मेरे को पता है, टी हम एक्स से निकाल चुके हैं, टी इक्वल टू एक्स एक्सिस में जब मोशन अलोंग एक्स एक्सिस से हम टी की वैल्यू निकाल चुके हैं, वो क्या है, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट करके देखते हैं हम लोग, तो बताओ वाई इक्वल टू क्या आ गया, यू वाई टी, यू वाई क्या, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, और बताओ टी की वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, माइनस वन अपॉन टू जी, क्योंकि माइनस जी है तो यहाँ माइनस, टी की जगह क्या, एक्स अपॉन
यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, तो बताओ क्या बनेगा, यू वाई इक्वल टू, वाई इक्वल टू यू से यू गया तो एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ठीक है, बताओ वाई इक्वल टू क्या हो गया, वाई इक्वल टू क्या हो गया, एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो और एक्स स्क्वायर। तो देखो ये पैराबोलिक इक्वेशन है, क्योंकि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन रहा है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बीच में कई टर्म्स है, मतलब ये देखो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है ये पैराबोला, ये पैराबोला जो है मैथ्स में पढ़े हो गए, ओरिजिन से पास करने वाला वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बनता है, लेकिन जब ओरिजिन से पास नहीं करता तो कुछ इस तरह का इक्वेशन बनता है, ठीक है। मतलब वहाँ टेन थीटा एक्जैक्टली नहीं आता, मतलब इस तरह का एक, मतलब थ्री टर्म्स होते हैं उसके अंदर, एक दो तीन, थ्री टर्म्स होते हैं। तो ये हम लोग पैराबोला प्रूव कर दिया, ठीक है, ये पैराबोला प्रूव हो चुका है। तो इसको ये इक्वेशन प्रूव करने आ सकता है पैराबोला। देखो इस इक्वेशन का ना बहुत ज़्यादा हेल्प है, लेकिन अभी मैं बेसिक पार्ट बता रहा हूँ तुम लोग को जो सब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए अभी इसके साथ मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊँगा जहाँ पे पूरा जेई का क्वेश्चन और नीट का क्वेश्चन और कॉम्पिटेटिव का पूरा उसमें पार्ट करवाऊँगा, तो वहाँ पर देखना इस इक्वेशन का मैं बहुत अच्छे से यूज करूँगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए बस इस इक्वेशन को कैसे आया तुम्हें प्रूव करने आ जाएगा, प्रूव करो कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, तो ये प्रूव करोगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना रखना, मतलब ये वाला इक्वेशन जब ड्राइव करने आया तो ये कर लेना, इस इक्वेशन का मैं यूज बताऊँगा तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। तो ये हो गया, अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं टाइम ऑफ लाइट। हाँ, अब हम लोग क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे इसका, ठीक ना, इसका टाइम ऑफ लाइट निकालेंगे और क्या निकालेंगे बच्चों, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, ठीक ना। तो कैसे निकालेंगे तो वो भी हम लोग देखते हैं। देखो ये जो है ना मैक्सिमम एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट रेंज एंड टाइम ऑफ लाइट, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्वेशन जो है 3 या 4 मार्क्स में आता है, अगर स्टेट बोर्ड है तो 4 मार्क्स में आ सकता है, और सीबीएसई में 3 मार्क्स में आता है, लेकिन जो अब मैं करने जा रहा हूँ टाइम ऑफ लाइट मैक्सिमम हाइट और रेंज, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो है चलो ये क्या था, यू कॉस थीटा, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग है ना क्या निकाले बताओ तुम, हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, टाइम ऑफ ये मेरा ऐप है, थोड़ा गंदे तरीके से लिखता हूँ ऐप को, तो समझ जाया करो। ये ऐप में लिखता हूँ, ठीक है, ऐसे टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जितना देर वो हवा में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट, जितना देर ये हवा में रहता है। हवा में कहाँ से कहाँ, कब तक था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हवा में था, तो हम लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। तो चलो देखो, मोशन अलोंग वाई एक्सिस देखो, क्यों हम बोल रहे हैं मोशन अलोंग वाई एक्सिस, उसका मैं रीजन बताता हूँ, क्योंकि ना मेरे को वाई में पता है, वाई में मेरे को पता है कि फाइनली वाई में ये कितना चला है, जीरो चला है। फाइनली वाई में कितना चला है, जीरो। मैं बताया था कैसे, यहाँ से स्टार्ट किया ग्राउंड से, दोबारा ग्राउंड पे ही गिरा ना, तो वर्टिकली मोशन इसका कितना है, जीरो, क्योंकि ग्राउंड से स्टार्ट किया ग्राउंड पे ही गिर गया, तो वाई क्या है, फाइनली वाई क्या हो चुका है, जीरो। वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट है, जीरो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो हम वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओके, इसलिए हम वाई एक्सिस में लिखे, क्योंकि वाई में मेरे को पता है वो कितना डिस्टेंस कवर किया, एक्स में कितना डिस्टेंस कवर किया मेरे को नहीं पता, ठीक है, लेकिन वाई का मेरे को पता है वो जीरो है। तो हम लोग क्या करते हैं y एक्सिस में मोशन, तो बताओ y इक्वल टू क्या होता है बच्चों, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ओके,
यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लेता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लेता है, उसको हम लोग टी लिखते हैं, कैपिटल टी से। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कैपिटल टी से टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो बताओ टी की वैल्यू क्या है, कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट। यू वाई क्या बच्चों, यू साइन थीटा सर। ओके, ए वाई क्या बच्चों बताओ, माइनस जी। अभी हम लोग पीछे पड़े हैं, कैसे आया माइनस जी, ये वैल्यू यहाँ पुट करो, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। बताओ वाई की वैल्यू क्या है बच्चों, जीरो। ओके, वाई कितना है बच्चों, जीरो। तो बताओ यू वाई टी, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा। और टी की वैल्यू क्या है, कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट, माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस जी है। तो यहाँ क्या लिखोगे, हाफ जी। टी की जगह क्या लिखोगे, कैपिटल टी टी स्क्वायर। इसको इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा, माइनस यू साइन थीटा टी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस माइनस से माइनस गया, एक टी से एक टी गया, तो क्या आ गया, यू साइन थीटा इक्वल टू टी अपॉन टू, और यहाँ जी भी है। तो उधर टी इक्वल टू क्या आ गया, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। दिख रहा है सभी को, यहाँ तक दिखा, ठीक है। तो ये तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, बहुत ईजी था सर, यस काफ़ी ईजी था। बस इक्वेशन ऑफ मोशन आना चाहिए, सब कुछ आराम से कर लोगे। तो ये तुम लोग कॉपी कर लो, क्लियर है सभी को, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। ओके, अब क्या बचता है, अब आता है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट देखो, जब ये प्रोजेक्टाइल कर रहा होता है तो एक ऐसा हाइट है जो, देखो ये एक हाइट है जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ से क्या देखो, हाइट बढ़ रहा है, 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 मैक्सिमम। बताओ यहाँ पे क्या है हाइट, एच मैक्स। उसके बाद बताओ धीरे धीरे नीचे जा रहा है, हाइट घटने लगा, घटने लगा, घटने लगा, घटने लगा। तो पहले हाइट बढ़ता है फिर हाइट घटता है, पहले हाइट बढ़ता है फिर हाइट घटता है। तो बताओ एक हाइट है जो मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा वो हाइट नहीं जा पा रहा। जैसे ये मार्कर को हम फेंके, बताओ ये मैक्सिमम, उसके बाद ये नीचे जाने लगा। तो वही मैक्सिमम हाइट निकालना, हमें क्या निकालना, मैक्सिमम हाइट वो कितना कवर कर रहा है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट कितना वो कवर कर रहा है। तो मैक्सिमम हाइट निकालना है, यस मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो एक बात बताओ, तुम लोग को हम पहले भी बताया हुआ है, ये मार्कर है, अगर ऊपर जाने में 2 सेकंड ले रहा है तो ऊपर से नीचे आने में भी कितना सेकंड लेगा, 2 सेकंड लेगा। उसी तरह ये यहाँ से यहाँ मैक्स, पहले ऊपर जा रहा था, यहाँ तक ऊपर गया, उसके बाद ही नीचे आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लिया होगा, उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ आने में लिया होगा, ठीक है, क्लियर है, यहाँ से यहाँ आने में लिया होगा। ओके, तो मैक्सिमम हाइट जाने में टाइम कितना लिया होगा, बता सकते हो, टी इक्वल टू टी बाई टू, क्योंकि ये पूरा क्या है, टाइम अप्लाइड कैपिटल टी। तो मैक्सिमम हाइट इस पॉइंट पे जाने के लिए कितना टाइम लिया होगा, टी बाई टू, आधा टाइम लिया होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का, क्योंकि जितना जाने में उतना आने में, तो टोटल टी है। तो यहाँ तक पहुँचने में कितना लगा, टी बाई टू लगा होगा, क्लियर है सभी को। ओके सर, क्लियर है, टी बाई टू। ओके, हम लोग मोशन अलोंग वाई एक्सिस ही कर रहे हैं अभी, मोशन अलोंग वाई एक्सिस आप कर रहे हैं अभी, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी वही की, और मैक्सिमम हाइट के लिए भी मोशन अलोंग वाई एक्सिस ही करना है, ठीक है। ओके, ए वाई इक्वल टू माइनस जी। ओके, यू वाई इक्वल टू, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। देखो इधर यू साइन थीटा ही है ना, और एक्स में कितना है, यू कॉस थीटा, और वाई में कितना है बच्चों, यू साइन थीटा। एक्स में कितना है, यू कॉस थीटा, और वाई में बच्चों कितना है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, ठीक है। ओके, ये हो गया। ठीक है, ये अब हमें क्या निकालना है, ए वाई हो गया, यू वाई हो गया, टी हो गया। अब हम लोग, हाँ, वाई इक्वल टू बताओ क्या, एच मैक्स। वाई कितना है, एच मैक्स। तो बताओ वाई इक्वल टू क्या लिखोगे, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो वाई की जगह क्या लिखोगे, एच मैक्स। यू वाई कितना है बच्चों बताओ, यू साइन थीटा। टी की वैल्यू क्या है, टी वाई टू, और ए वाई की वैल्यू क्या है, माइनस जी। तो माइनस जी प्लस, ये माइनस बन जाएगा माइनस जी। तो और टी की जगह क्या लिखोगे, टी बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एच मैक्स कितना आ गया बता दो तुम लोग खुद से, बस करना क्या है, यू साइन थीटा। टी की वैल्यू क्या आई है, यू साइन थीटा। टी की वैल्यू बता क्या है, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो टी की जगह लिख दो, टू यू साइन थीटा अपॉन जी, और एक ये टू, ये वाला टू,
ठीक है, माइनस हाफ जी टी की जगह क्या लिखोगे बच्चों? थोड़ा वो हो गया ना, काफ़ी कंजेस्टेड हो रहा है यहाँ पे। चलो इसके बाद ऊपर लिख करते हैं टी बाई टू। टी बाई टू की वैल्यू क्या है ये देख लो, टी बाई टू की वैल्यू, ये टू को यहाँ ले आओ ना, टी को यहाँ ले आओ, तो टी बाई टू की वैल्यू क्या है यू साइन थीटा अपॉन जी, ये था ना टू, इधर टू को यहाँ ले आओ, टी बाई टू की वैल्यू क्या है यू साइन थीटा अपॉन जी, टी की वैल्यू टू था ना, तो टू को यहाँ ले आओ, टी बाई टू की वैल्यू क्या है यू साइन थीटा अपॉन जी, तो यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करते तो बताओ क्या आ गया, एच मैक्स इक्वल टू, एच मैक्स इक्वल टू टू से टू गया, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, माइनस जी से एक जी गया तो एक जी नीचे बचेगा क्योंकि वो स्क्वायर है, तो बताओ माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक जी और नीचे जी स्क्वायर है ना क्योंकि इसको ये ओवरऑल स्क्वायर है, तो टू जी, तो एच मैक्स बच्चों कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉमन लो तो यहाँ क्या आएगा वन माइनस वन अपॉन टू, इसको सॉल्व कर दो ख़त्म। तो बताओ एच मैक्स कितना आ गया, यू स्क्वायर एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, ये तुम्हारा एच मैक्स है, ठीक है, ठीक ना, एच मैक्स है। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था, टू यू साइन थीटा अपॉन जी, यू साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, यू वाई अपॉन जी, तो ये भी है, ये भी होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, क्योंकि यू साइन थीटा यू वाई है ना, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, तो तुम टू यू वाई अपॉन जी भी लिख सकते हो। उसी तरह इसको भी बताओ, यहाँ पे हम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो एच मैक्स इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं, यू साइन थीटा क्या होता है वाई, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखोगे, यू वाई का होल स्क्वायर अपॉन टू जी, ये भी लिख सकते हो, यू वाई का होल स्क्वायर अपॉन टू जी, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। एच मैक्स आ गया, बहुत ईजी था, ठीक है, एच मैक्स आ गया, ठीक है ना, ओके। अब हम लोग आते हैं रेंज पे, अब हम लोग किस पे आते हैं, रेंज, तो रेंज के लिए हम लोग बताओ रेंज किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में, रेंज किस में होता है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, रेंज किधर है, एक्स या वाई में बताओ, रेंज ये होता है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम में, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड अलॉन्ग वाई, सॉरी एक्स एक्सिस, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स में जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रेंज। हाइट कितना भी हो, जैसे हम ये मार्कर को फेंके, बहुत तेज फेंका, हाइट बहुत ज़्यादा लिया और ये यहीं पे आके, तो रेंज कम है, हाइट ज़्यादा था, रेंज का मतलब क्या होता है, वो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर किया, जैसे बोलते हैं ये मिसाइल का इतना रेंज है, अमरीका तक जा सकता है ये मिसाइल, तो जा सकता है तो किस डिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की ना, ठीक है, तो रेंज वो चीज़ हुआ ना कि अमेरिका तक जा सकता है, अब ये थोड़ी ना उसमें मेंशन करते कितने हाइट से अमेरिका की ओर जाएगा, रेंज का मतलब होता है हाइट से कोई मतलब नहीं, रेंज को मैक्सिमम कितना वो हाइट, सॉरी वो हॉरिजॉन्टली जा सकता है, जब बोला जाता है ये मिसाइल अमेरिका तक जा सकता है तो ये मेंशन करता है कितने हाइट से जा सकता है, अमेरिका तक जा सकता है मतलब अब मेरे को ये पता है कि अमेरिका तक जाएगा, ये इसका रेंज है 5000 किलोमीटर 10000 किलोमीटर इसका रेंज है, रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना वो कवर किया, ठीक है ना, हाइट का मतलब क्या होता है मैक्सिमम हाइट का मतलब वर्टिकल डिस्टेंस वो मैक्सिमम कितना कवर कर सकता है, तो कुछ जगह मेरे को मैक्सिमम हाइट के लिए है ना कोई मिसाइल बनाते हैं कि मैक्सिमम हाइट कवर करे, कुछ जगह हम लोग रेंज के लिए, मोस्टली रेंज के लिए हम लोग बनाते हैं कि रेंज मैक्सिमम हो, मोस्टली मिसाइल रेंज के लिए बनता है क्योंकि हमें आसमान में तो किसी से लड़ना नहीं है ना, ज़मीन पर लड़ना है, तो मैक्सिमम हम लोग रेंज के लिए बनाते हैं मिसाइल। हाँ दिवाली में जो रॉकेट जलाते हैं उसके लिए हम लोग मैक्सिमम हाइट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, बहुत दूर जाके पटाखा बजे, जितना दूर बचता है उतना मज़ा आता है, यही होता ना, वो देखो मेरा रॉकेट कितना दूर गया, ऐसे ही बोलते, तो वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम हाइट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, कहीं पे मैक्सिमम रेंज मेरे को चाहिए होता है, ठीक ना, ओके ठीक है, तो हम लोग रेंज पे आते हैं, तो बताओ रेंज के लिए कौन से एक्सिस पे मोशन देखोगे, एक्स या वाई, एक्स या वाई, मार्कर कहाँ भाग गया, मिल गया, एक्स में देखोगे मोशन अलोंग
मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। बताओ रेंज एक्स इक्वल टू क्या है बच्चों, रेंज। यू एक्स इक्वल टू क्या है बच्चों, यू कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि कॉस यू कॉस थीटा है ना वाई एक्सिस में वेलोसिटी। ओके ए एक्स कितना है, जीरो। एक्स कितना बच्चों, जीरो। टाइम कितना है, टी टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मैक्स जब ये मैक्सिमम रेंज यहाँ से यहाँ जाता है एक्स में तो उस समय टाइम वो कितना लगता है, वही तो है टाइम ऑफ फ्लाइट, वही तो है टाइम ऑफ फ्लाइट। जब ये यहाँ से यहाँ जाता है एक्स में मतलब ओवरऑल ये ऐसे जा रहा है तो यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा उसी को तो टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो एक्स में उस समय कितना चला, आर चला ना, तो टाइम कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल। ये जब यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो टोटल टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल, तो इसलिए हम ये कैपिटल टी लिख दिए, ठीक है कैपिटल टी लिख दिए। बताओ रेंज इक्वल टू, तो अब हम लोग मोशन इक्वेशन मोशन लगाते हैं, एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यही लिखते हैं ना। ए एक्स जीरो है तो एक्स की जगह क्या लेंगे, आर। रेंज को आर से लिखते हैं, यू एक्स कितना, यू कॉस थीटा, और टाइम बताओ कैपिटल टी। ए एक्स जीरो है तो उसको हटाओ तो आर इक्वल टू क्या आ गया, यू कॉस थीटा। और टाइम का फॉर्मूला भी अभी टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग निकाल लेते, पीछे कितना आया था, यू साइन थीटा अपॉन यू साइन थीटा अपॉन जी, तो यहाँ क्या लिखोगे, यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो बताओ तो आर इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, यू स्क्वायर सॉरी टू यू साइन थीटा आया था ना, यहाँ टू भी होगा, टू यू साइन थीटा, यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़े हो तो तुम लोग को पता है ये फॉर्मूला है किसका, साइन टू थीटा का। साइन टू थीटा इक्वल टू होता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन टू थीटा इक्वल टू होता है टू कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। साइन टू थीटा इक्वल टू होता है टू कॉस थीटा साइन थीटा, साइन टू थीटा इक्वल टू क्या था, टू कॉस थीटा और साइन थीटा। तो हम लोग आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन साइन टू थीटा अपॉन जी, साइन टू थीटा अपॉन जी, ये रेंज है। रेंज का अगर वेलोसिटी उसके टर्म में निकालना है, एक्स और वाई के वेलोसिटी के टर्म में, तो बताओ रेंज को हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखो टू एक u के साइन थीटा के साथ रख दो और एक u कॉस थीटा के साथ रख दो अपॉन जी। बताओ u साइन थीटा क्या है, y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी था u साइन थीटा, तो यहाँ क्या लिखोगे, यू वाई, और u कॉस थीटा किधर है जो x के अलोंग है, तो यहाँ क्या लिखोगे, यू एक्स अपॉन जी। देख ये भी फॉर्मूला बनता है, ठीक है। कब किसका यूज होगा, न्यूमेरिकल के हिसाब से अगर बस एक्स वाई की वेलोसिटी दिया हुआ है तो ये लगाओ, बाकी पूरा डिटेल्स एंगल भी दिया है सब दिया है तो ये फिर ये लगाओ, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये तुम्हारा रेंज हम निकाल दिया, मैक्सिमम हाइट निकाल दिया, और हम लोग क्या निकाले बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले हुए, ठीक है ना, क्लियर है। अब ध्यान देना ये रेंज, ओके अब ध्यान देना, देखो क्या है ना, अगर तुम प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो तो कोई तुमसे पूछेगा बताओ वेलोसिटी जो है वो बढ़ता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है, फिर ये पहले घटता है फिर बढ़ता है, क्या होगा। चार ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। तो एक बात बताओ, जो हम लोग ये प्रोजेक्टाइल को फेंके हैं देखो जो हम लोग प्रोजेक्टाइल को फेंके हैं ऐसे जाता है, इधर क्या है यू कॉस थीटा, इधर क्या है यू साइन थीटा। अब देखो कभी कभी ना एंगल तुम्हें ना न्यूमेरिकल में ध्यान देना, थीटा वर्टिकल से दे देगा, थीटा बच्चों वर्टिकल से दे देगा, हॉरिजॉन्टल से नहीं देगा, तो वहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगा दे मत देना। सेम फॉर्मूला अगर लगाना है तो अगर वर्टिकल से 30 डिग्री दिया हुआ है तो बताओ ये टोटल क्या होता है 90 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल से कितना होगा 60 डिग्री। तो जो तुम फॉर्मूले में लिखोगे ना थीटा वो 60 लिखना, 30 मत लिख देना, क्योंकि हम पूरा ड्राइवेशन तब किए हैं जब थीटा हम हॉरिजॉन्टल से माने हुए हैं, तो पूरे ड्राइवेशन का जो रिजल्ट आया एंड रिजल्ट उसमें थीटा जो है हॉरिजॉन्टल से है, लेकिन न्यूमेरिकल में वर्टिकल से दे दिया था क्या करो, अगर वर्टिकल से थी से तो हॉरिजॉन्टल से 60 होगा, वर्टिकल से 60 है तो वर्टिकल से अगर 60 है ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा 30। तो हॉरिजॉन्टल से एंगल ही याद रखना, अगर वर्टिकल से दिया है तो 90 से माइनस कर देना तो हॉरिजॉन्टल से आ जाएगा, ठीक है ना, फिर वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि ये 30 डिग्री दिया और सब में 30 डिग्री पुट कर दो, गलत हो जाएगा क्वेश्चन।
30 तो वर्टिकल से दिया है ना, तो हॉरिजॉन्टल से कितना होगा, हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल होगा वो एंगल फॉर्मूले में पुट करना। यहाँ गलती करते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। ओके, ये चीज़ जो था, एक मिनट कुछ बता रहे थे तुम लोग को, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। एक बात बताओ, इधर क्या होता है u y और इधर क्या होता है बच्चों u x। तो एक बात बताओ, जो u x है, कोई बोलेगा ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा था उसमें u x में कोई चेंज आता है क्या? नहीं, u x में कोई चेंज नहीं आता। मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो ये पूरा मोशन के दौरान x में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही होगा, x में कोई चेंज नहीं आएगा। सर क्यों? क्योंकि x में तो एक्सेलरेशन ही नहीं था, तो सर यहाँ पे जाके तो रुक जाता है, रुकता है वो टकराने के बाद, कॉलिजन हो जाता है, तब उसको रास्ता नहीं मिलता और रेजिस्टेंस मिल जाता है, तो वहाँ पे जाकर रुक जाता है, ठीक है, वहाँ पे जाकर रुक जाता है। लेकिन टकराने के बाद रुक रहा है ना, लेकिन जब ये चल रहा है यहाँ से यहाँ तक जाते हुए, वहाँ पे क्यों रुक रहा है? क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस उसको बहुत ज़्यादा मिल गया तो रुक जाता है, ठीक ना, क्योंकि ज़मीन आ गया तो रोक दिया। लेकिन ड्यूरिंग दी मोशन जब ये हवा में था तो ज़मीन थोड़ी ना आ रहा है, वो तो हवा है और एयर रेजिस्टेंस को हम ले नहीं रहे, काउंट में नहीं ले रहे एयर रेजिस्टेंस को, तो देयर इज नो एनी चेंज इन वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो चेंज सर किस में आ रहा है? वाई में। वाई में क्यों आ रहा है? वाई में देखो, ये यहाँ से जाके गिर रहा है ना, पहले हाइट पे जा रहा था, देखो धीरे धीरे, पहले वाई इतना था, सुनो, पहले यहाँ पे था तो वाई ये था, यहाँ पे गया तो वाई ये हो गया, यहाँ पे गया तो वाई ये हो गया, और यहाँ पे गया तो वाई ये हो गया, फिर यहाँ पे गया तो फिर वाई ये हो गया, यहाँ पे गया तो फिर वाई ये हो गया, यहाँ पे गया तो फिर वाई ये हो गया, यहाँ पे गया तो वाई जीरो हो गया ना। तो वाई में देखो क्या हो रहा है, पहले गया तो यहाँ से जब अब वापस आ रहा है नीचे, मतलब वेलोसिटी वहाँ पे जाके जीरो हो गई होगी, क्योंकि देखो ये मार्कर को अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं, ध्यान देना, अगर ये मार्कर को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो मार्कर ऊपर गया, यहाँ पे जाके वेलोसिटी इसकी जीरो गई, तब तो ये नीचे आ रहा है। अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो ऊपर ही जाता रहता। ये कब, जैसे हम यहाँ से मार्कर को फेंक गए तो यहाँ पे जाके ये नीचे जाने लगा, नीचे गया होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हुई होगी तभी तो नीचे जा रहा है, नहीं तो नीचे कैसे जाता? तुम बाइक को अगर ले जाते हो और उसी सेम रास्ते से लाना, मतलब ऐसे घुमा के नहीं, देखो ये घूम के तो नहीं आ रहा, उसी रास्ते को फॉलो कर रहा है ना, उसी रास्ते में दोबारा आना है। ये बैक गियर मान लो है ना, कार से इधर जा रहे हो और तुम्हें उसी रास्ते से पीछे आना है, तो ऐसा हो सकता है बिना कार रोके पीछे आ जाओ? नहीं, जब तुम बैक गियर लोगे तो कार को वहाँ रोकोगे तब तो पीछे आएगा। उसी तरह मार्कर को जब ऊपर ले जा रहे हो तो यहाँ से जब ये नीचे आया तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो ही होगी। उसी तरह देखो, पहले ये वाई में बढ़ रहा था, यहाँ तक मैक्सिमम होने के बाद वो वाई में घटने लगा। वाई में घट रहा है तो मतलब यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हुई होगी। कौन से एक्सिस में? वाई एक्सिस में। देखो यू वाई पहले घटा, यहाँ से यहाँ तक जब गया तो वो यू वाई क्या हुआ, पहले घटा बच्चे, यू वाई घटा, मतलब वाई में जैसे ये मार्कर है, जब तुम इसको ऊपर फेंके तो पहले 10 मान लो 40 की स्पीड से फेंके थे, तो पहले क्या हुआ 30 20 10 0 फिर 10 20 30 40, तो पहले वेलोसिटी घटी फिर बाद में बढ़ी। तो यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक पहले वेलोसिटी घटती है वाई में, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर बढ़ती है वाई में। बात समझ में आया? तो अगर बोला जाएगा तो ओवरऑल वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? ओवरऑल भी वेलोसिटी घट रहा है, पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, क्योंकि जो ये एक्स है और ये वाई है तो इसका नेट तो ये होगा ना, पैरेललोग्राम लो, नेट ये होगा, तो नेट तो इन दोनों का वो है वेक्टर सम, तो अगर इन दोनों में एक भी कम होगा तो नेट तो घटेगा ही ना, नेट घटेगा। तो ओवरऑल वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीज करती है अप टू मैक्सिमम हाइट, फिर उसके बाद इंक्रीज करती है, ठीक है। अगर यहाँ ओवरऑल 50 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ गिरते समय 50 मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन बीच में क्या होगा, घटेगा फिर बढ़ेगा। समझ में आया? क्लियर है? हाँ, काइनेटिक एनर्जी का भी वही कॉन्सेप्ट है, ओवरऑल वेलोसिटी घटी तो काइनेटिक एनर्जी आप एम बी स्क्वायर होता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी पहले ही घटेगा फिर बढ़ेगा। और मैक्सिमम कितना होगा, जितना इनिशियल था, अगर इनिशियल मान लो 40 जौल था तो यहाँ गिरते गिरते 40 होगा, 40 जौल से ज़्यादा नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। क्लियर है? बात समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? एक्स की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, देयर इज नो एनी चेंज इन एक्स।
देर इज नो एनी चेंज इन वेलोसिटी इन अलोंग एक्स डायरेक्शन बट देर इज अ चेंज इन वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। काइनेटिक एनर्जी का बता दें, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, एक्स में मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता, वाई में मोमेंटम में लगातार चेंज आता है क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, क्योंकि मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। चलो मोमेंटम शायद अभी तुम लोग जानते नहीं होगा क्योंकि लॉज ऑफ मोशन में आता है मोमेंटम टर्म्स, वहाँ मैं बता दूंगा अच्छे से। तो ये था तुम्हारा टॉपिक, ठीक है। तो देखो आज मैं जो बताया हूँ प्रोजेक्टाइल का बेसिक है जो सब्जेक्टिव में आएगा, और जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा वो मैं नीट और जेई का जो क्वेश्चन होगा और जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं बताऊँगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाना, मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो जिससे तुम्हें नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, ठीक है ना। और अगर वीडियो पूरा समझ में आया तो अंडरस्टूड जरूर लिखो, और भी अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हो, तो वीडियो को शेयर कर सकते हो जरूर करना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में थोड़ा हेल्प मिलेगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद जय भारत।